यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है और इसे पास करने के लिए छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई स्टूडेंट्स तो कई मुसीबतों का सामना करते हुए परीक्षा को पास करने में सफल होते हैं। ऐसी ही कहानी हिमाचल प्रदेश के ऊना के छोटे से गांव ठठल की रहने वाली शालिनी अग्निहोत्री की है, जिन्होंने घर वालों को बिना बताए यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की और पहले प्रयास में ही आईपीएस अफसर बन गई। शालिनी अग्निहोत्री बचपन में एक बार अपनी माँ के साथ बस में ट्रेवल कर रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति ने उनकी माँ की सीट के पीछे हाथ लगा रखा था, जिससे वे ठीक से बैठ नहीं पा रही थी। उन्होंने कई बार उस व्यक्ति को हाथ हटाने को कहा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। कई बार कहने के बाद व्यक्ति गुस्सा हो गया और कहा, तुम कहाँ की डीसी लग रही हो जो तुम्हारी बात मानी जाए। बस यहीं से शालिनी ने तय किया कि वे बड़ी होकर अफसर बनेंगी। शालिनी अग्निहोत्री ने बताया है कि मुझे 10वीं की परीक्षा में 92% से ज्यादा नंबर मिले थे, लेकिन 12वीं में सिर्फ 77% नंबर ही आए। इसके बावजूद मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। डीएनए की रिपोर्ट के अनुसार शालिनी अग्निहोत्री ने धर्मशाला के डीएवी स्कूल से 12वीं करने के बाद पालमपुर स्थित हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। शालिनी ने ग्रेजुएशन के साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। शालिनी अग्निहोत्री कॉलेज के बाद यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करती रहीं और उन्होंने इसकी जानकारी अपने घर वालों को भी नहीं दी। शालिनी को लगता था कि इतनी कठिन परीक्षा है कि अगर पास नहीं हुई तो कहीं घर वाले निराश ना हो जाए। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए उन्होंने ना तो कोचिंग ली और ना ही किसी बड़े शहर का रुख किया। शालिनी ने मई 2011 में यूपीएससी की परीक्षा दी और 2012 में इंटरव्यू का परिणाम भी आ गया। शालिनी ने ऑल इंडिया में 285वां रैंक हासिल किया और उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि वो आईपीएस चुनी गई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शालिनी अग्निहोत्री की पहली पोस्टिंग हिमाचल में हुई और उन्होंने कुल्लू में पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला। इसके बाद उन्होंने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया और कई बड़े अपराधियों को जेल पहुंचा दिया। शालिनी अग्निहोत्री की गिनती साहसी और निडर पुलिस वालों में होती है। शालिनी अग्निहोत्री के पिता रमेश अग्निहोत्री बस कंडक्टर थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शालिनी की बड़ी बहन डॉक्टर है और भाई एनडीए पास करके आर्मी में है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।